सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। सभी प्रभु प्रेमियों को सादर नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय महाकाल। आइए बंधुओं, हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। बंधुओं, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी समाज को अत्यंत आवश्यकता है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। आज का हर युवा जीवन में, युवा हो अथवा किसी भी अवस्था का हो, वो जीवन में तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए ही परिश्रम करता है, मेहनत करता है। पहली, या तो वो धनवान बनने के लिए, धन बल प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। दूसरा, या तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और तीसरा, या तो वो भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जो सांसारिक विषयों में अनुरक्त रहता है, वह धनवान भी होना चाहता है और वह बलवान भी होना चाहता है। लेकिन जिसको इन दोनों चीजों से ऊपर उठना है, वह भक्तिवान होने का भी प्रयास करता है, जिसकी प्राप्ति उसे ब्राह्मण संत साधुओं की सेवा में प्राप्त होती है। बंधुओं, क्या कोई ऐसी शक्ति है संसार में? क्या कोई ऐसा देवता है संसार में जिसके मार्ग का अनुसरण करने पर, या जिसको देखने पर, जिसको सुनने पर, जिसकी लीला का गान करने पर, हमें उसको सुनते ही, उनको जानते ही धन बल भी प्राप्त हो जाता हो और लक्ष्मी बल, हमको बाहुबल भी प्राप्त हो जाता हो, और अगर हम भक्ति मार्गी हैं तो हमें भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती हो, तो हमारी जो यह खोज है कि ऐसा वह कौन देवता है, तो वह देवता है श्री हनुमान जी महाराज। बजरंग बली मात्र एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी असफलता का चेहरा देखा ही नहीं। जब भी जो कुछ भी किया, चाहे वो सीता जी की खोज हो, चाहे वो संजीवनी बूटी लाना हो, चाहे वो भरत जी को समाचार देना हो या राम जी के विषय में जानना हो, हर जगह हर स्थान पर वह सफल हुए हैं। तो जो सीता जी को लक्ष्मी के रूप में देखता है, तो हनुमान जी की यह सीता जी की जो खोज की यात्रा है, जिसे हम सीतान्वेषण यात्रा कहते हैं, तो जो लक्ष्मी के रूप में सीता जी को देखता है, उसको इस यात्रा से लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मार्ग मिल सकता है। जो भक्ति चाहता है कि मुझे भक्ति जीवन में मिले, तो वह हनुमान जी की इस यात्रा से, लंका यात्रा से, भक्ति को प्राप्त करने के साधन भी प्राप्त कर सकता है। और जो बल चाहता है, उसे बल भी मिल सकता है। तो बंधुओं, हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है, इसको आप बड़े गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि इससे अच्छा संसार में दूसरा कोई उपाय हमारे लिए हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन है संसार में जो असफल होना चाहता हो? जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हम सफल ही तो होना चाहते हैं। तो सफल होने के लिए किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए? हमारे जीवन में ऐसा क्या हो कि हमें कभी सॉरी बोलना ही ना पड़े, कभी हम असफलता देखें ही नहीं? तो आइए थोड़ी सी देर हम कुछ ही मिनटों में ये समझने का प्रयास। वैसे ये हनुमान जी का चरित्र सागर की तरह है, इसको थोड़ी देर में तो कहना बड़ा ही असंभव है, लेकिन फिर भी हम कुछ सूत्रात्मक तरीके से समझते हैं। हनुमान जी की जो है यात्रा है, जिसे हम सीतान्वेषण यात्रा, सीता जी की खोज यात्रा कह रहे हैं, ये कहां से शुरू मानी जाए? यह क्या राम जी से प्रथम मिलन से शुरू मानी जाए, जन्म से शुरू मानी जाए हनुमान जी के? नहीं नहीं, गुरु कृपा से हमें तो ऐसा लगता है कि यह यात्रा वहां से शुरू हुई है जब भगवान श्री राम हनुमान जी को निकट बुलाकर राम नाम की मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि सीता जी के दर्शन होने पर यह मुद्रिका दे देना। यह यात्रा वहां से शुरू होती है, जहां 18 पद्म नाना अपने अपने सहयोगियों के साथ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जाने के लिए अग्रसर है। वहां श्री हनुमान जी सबसे पीछे राम जी को प्रणाम करते हैं, वो चौपाई है
पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, देखने वाले को लगता है कि इनमें तो उत्साह ही नहीं है, सबसे पीछे खड़े हैं बाद में प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं भाई, ये हनुमान जी की सफलता की या जो यात्रा है उसका प्रथम सूत्र हमें वो दिखाना चाहते हैं। देख, और भगवान श्री राम उनकी इसी विनम्रता इसी अनुशासन पर तो प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये ही वो है जो सीता जी तक पहुंचेगा, यही वो है जिनको मुझे मुद्रिका दे देनी चाहिए। तो हनुमान जी हमें एक अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी की भाषा में हम डिसिप्लिन कह सकते हैं, जिसे हिंदी में नियंत्रण कहते हैं। कितना नियंत्रण है हनुमान जी का अपने आप के ऊपर, कितना अनुशासित जीवन है हनुमान जी का अपना। तो आइए हम उन बिंदुओं पर बहुत ही कम समय में चर्चा करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको सफल होना हो तो जीवन में अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। उसमें अनुशासन किस प्रकार से जीवन में आएगा, आखिर ऐसा क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा जीवन इस प्रकार का अनुशासित हो कि ना कभी अपमान का सामना करना पड़े और ना ही असफलता का। तो आइए समझते हैं। पहला सूत्र है हनुमान जी महाराज का कि अपनी वंश परंपरा का सदैव स्मरण करो, सदैव स्मरण रखो। अगर आपको अपनी वंश परंपरा का स्मरण है तो आपका बैठना, आपका उठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका खाना पीना, ये आपका व्यवहार, संपूर्ण आपकी जीवनचर्या दिनचर्या अनुशासित हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर कोई क्षत्रिय कुल में अगर जन्म हुआ है और अगर उसको ये स्मरण रहे कि हमारे पूर्वज जो है, जिस प्रकार आपने क्षत्रिय माताओं को देखा होगा कि वो एडी से शिखा पर्यंत बिल्कुल वस्त्र से ढकी हुई होती है, घूंघट निकाल के रखना और किसी भी ब्राह्मण साधु संत को प्रणाम करना तो पल्लू से करना, ये सब क्या है? उनको अपनी परंपरा पर गौरव है, उनको अपनी परंपरा का स्मरण है कि हमारे पूर्वज, उन्होंने हमको यही सभ्यता सिखाई है। एक छोटी सी कहानी है, आप जानते ही हैं कि जब केकई माता ने दो वचनों में श्री राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राजा तिलक मांगा था, उस समय इस खबर को सुनकर के लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए थे। इतना क्रोधित हो गए थे, अपने पिता के विरुद्ध जाने के लिए आतुर हो गए। आपको याद होगा उस समय भगवान श्री राम ने बड़ा ही अनुशासन दिखाया था। वो शिक्षा कहां से मिली राम जी को? वो शिक्षा मिलती है उस चौपाई से, रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए, प्राण जाए वरु वचन न जाए। श्री राम जी जानते हैं कि हे लक्ष्मण, हमारा उस वंश में जन्म हुआ है जहां पिता, जहां वचन पालन के लिए प्राण दे दिए जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी के वंश में हमारा जन्म हुआ है, हम पिता के विरुद्ध नहीं बोल सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पूर्वजों का मान घट जाएगा। तो राम जी को अपने वंश परंपरा का स्मरण है, इसलिए उन्होंने बड़ा सभ्य आचरण किया, जिससे कि आज तक हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। और हनुमान जी ने भी लंकाधिपति रावण को यही तो समझाने का प्रयास किया था कि हे रावण, तुम अनुशासन भंग कर रहे हो, अरे तुम्हारा वंश तो देखो, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, आगे भी लिखा है कि ऋषि पुलस्त्य कर विबल भयंका, तै कुल महजनी हो कलंका। तुम पुलस्त्य ऋषि के नाती हो, उसके बाद में भी तुम ऐसा अपमान करते हो, तो अनुशासन भंग उस अवस्था में भी हो जाता है जब हम अपनी वंश परंपरा को भुला देते हैं और उसके विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। तो जिसको भी सफल होना है उसे अपनी वंश परंपरा का सदैव मान करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। दूसरा सूत्र है गुरु परंपरा, आपके गुरु किस परंपरा के हैं उसका समाधान आपको करना चाहिए। और बंधुओं, तीसरा सूत्र हम समझते हैं जो कि बहुत काम का है, बहुत ही सार्थक है, वह है हमें हमारे लक्ष्य के प्रति सदैव सचेत रहना, हमारा लक्ष्य के प्रति अगाध हमारा प्रेम होना। हनुमान जी महाराज ने एक लक्ष्य बनाया था उस सीता जी की खोज की यात्रा का, उसका नाम दिया गया था राम काज। जब वो चलते हैं तो राम काज में जो मेनाक पर्वत उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ी देर आराम कर लो, तो श्री हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा करपुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम।
जिसे अपने लक्ष्य का स्मरण होता है वह, चाहे हनुमान जी ने मेनाक का अपमान नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो नजरअंदाज करके चले गए, बराबर उन्होंने उनको हाथ मिलाया, स्पर्श किया मेनाक का और आगे चले। सुरसा खाने आई, उसको माँ कहकर के सम्मानित किया है, माँ कह दिया, तभी तो देवताओं को लगा कि हाँ यही वह व्यक्ति है जो सीता जी की खोज कर सकता है। आगे जा करके भी उन्होंने बड़ा अनुशासन दिखाया। एक सुंदर सा प्रसंग है कि जब रावण सीता जी को मारने दौड़ता है, उस समय हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठे, अशोक वृक्ष पर, हमारे और आपके जैसा कोई होता तो नीचे कूद पड़ता कि हमारी माँ के ऊपर शस्त्र उठाते हो, लेकिन हनुमान जी ने वहां कितना नियंत्रण अपने आप के ऊपर दिखाया। बोले नहीं, मैं जिस लक्ष्य को लेकर के आया हूँ रामकाज का, अगर मैं यहाँ नीचे कूद पड़ा, अगर मैंने यहाँ अनुशासन तोड़ दिया, अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, तो मेरा जो रामकाज है, जो राम जी ने जिस लिए मुझे भेजा है, वो सफल हो ही नहीं सकता। तो बंधुओं, लक्ष्य के जब आपको लक्ष्य का स्मरण होगा तो आप अनुशासित जीवन जिएंगे। ये भी एक सूत्र है, निज ज्ञान और निज अज्ञान का स्मरण भी अनुशासित जीवन को करता है। प्रत्येक घटना को अभ्यास के रूप में जब हम देखते हैं कि यह तो अभ्यास का पाठशाला है, तब भी जीवन हमारा अनुशासित रहता है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, आगे जब समय 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 मिलेगा और तो हम आप तक हनुमान जी की यात्रा के कुछ पार्ट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अभी तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे जो हमारी चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जय सीताराम, नमो लखमा।